एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आज मैं फिर से आ चुका हूँ कि नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं AWS के जरिए नए सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि आप लोगों को 5 डिफरेंट अलग अलग चीज़ों का मिलने वाला है। AWS से आप लोग AWS का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जबकि इसमें अलग अलग और भी सर्टिफिकेट हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। किस तरह सर्टिफिकेट इनरोल लेना है, कैसे इसमें इनरोल करना है और क्यों ये सर्टिफिकेट आप लोग के ज़रूरी है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। आज आप लोग हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहें, ताकि आप लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकें और इन्फॉर्मेशन गेन करने के बाद आप लोग इसका सर्टिफिकेट ले सकें। उसके बाद आप लोग अगर बिगनिंग नहीं जानते तो बिगनिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। इंटरमीडिएट आप लोग अगर बिगनिंग जानते हैं तो इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग बिगनिंग इंटरमीडिएट के बारे में जानते हैं तो आप लोग एक्सपर्ट लेवल पर सीख सकते हैं। आप लोगों को कंप्लीट सारी चीज़ें मिलेंगी, जिससे कि आप लोग एक अपने कैरियर की डेवलप कर सकें और अपने प्लेटफॉर्म को अचीव कर सकें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे लेट्स स्टार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग इस तरह की वीडियो मिलती रहें और इस तरह के अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग अपने कैरियर को डेवलप कर सकें। और AWS एक बहुत ही अच्छा वेब, मतलब अभी तक का सबसे अच्छा सर्टिफिकेट AWS का माना जाता है, जहाँ से आप लोग अमेजोन के कंप्लीट सर्टिफिकेट कर सकते हैं। लेकिन अमेजोन के जरिए आप लोग और भी सर्टिफिकेट कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग को आज हम कंप्लीट बताएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों ज़रूर करें। जितने ज़्यादा आप लोग शेयर करते हैं उतनी ज़्यादा वीडियो को आगे बनाने का और ज़्यादा मौका मिलता है हम लोगों को, जिससे कि हम लोग और भी इन्फॉर्मेशन गेन करके आप लोग को बता सकें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट ऑनलाइन है, वो भी हम लोग एंड में बताएँ कि सर इसमें रजिस्टर करना है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ इसमें मिलने वाली है। आप लोग 19 अगस्त तक इसमें इनरोल कर सकते हैं, उसके बाद इनरोलमेंट खत्म हो जाएगा। तो आप लोग जल्द से इसमें इनरोल करें, जब भी वीडियो देखें इसको इनरोल करें। 19 अगस्त बहुत अच्छा टाइम है, कंप्लीट आप लोग को 1 मंथ का टाइम मिलने वाला है। कब कब आप लोग लेक्चर होंगे, किस किस तरह से आप लोग लेक्चर इनरोल करते हैं और उसके साथ साथ आप लोग क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें 5 अलग अलग चीज़ों में आप लोग इनरोल करा गया है। फर्स्ट ट्रैक है आप लोग का डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से डेटा को ड्राइव किया जाता है, कैसे डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, उसके बारे में बताएगा। सेकेंड ट्रैक में मॉडर्नाइज डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा मूवमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा। थर्ड ट्रैक में आप लोगों को मॉडर्नाइज डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटाबेस के बारे में बताया जाएगा। और फोर्थ ट्रैक में आप लोगों को बताया जाएगा यूनिफाई योर डेटा, कैसे यूनिफाई करते हैं, कैसे एक्सेलरेट करते हैं साइट को। और फिफ्थ जो आपका लास्ट वाला है, इनोवेट विथ एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग, यानी आप लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटाबेस और डेटा एनालिटिक्स के बारे में आप लोग सारी चीज़ें जानने वाले हैं। आप लोग को इसमें इनरोल करने का सर्टिफिकेट मिलेगा, अटेंडेंस सर्टिफिकेट मिलेगा। किसी भी तरह का आप लोग को एग्ज़ाम नहीं देना है, आप लोग को सारी चीज़ें यहाँ पर कम्प्लीट फ्री है, कोई पेमेंट नहीं करना है। और आप लोग को क्यों ज़रूरी है वो भी देख लें। आप लोग वाई अटेंड इसके बारे में बताइए, आप लोग अच्छे से पढ़ लें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो लेटेस्ट आप लोग टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आप लोग नहीं जानते। क्या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग को सारी चीज़ नहीं मिलती, वो लोग भी पुराना पढ़ाते हैं, क्योंकि लोग को कंपनी में क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट चल रही है, किस तरह से अपडेट किया गया, नई नई चीज़ें, किस तरह नए नए ऐप बनाए जाते हैं, उसके बारे में नहीं मालूम होता। तो आप लोग को ये जो फ्री से में फ्री आप लोग सेवा प्रोवाइड करते हैं वो इसलिए होता है ताकि आप लोग उन्हीं चीज़ को करें जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिससे कि जब भी आप लोग किसी इंटरव्यू के लिए जाएँ या इंटरव्यू आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बता सकें। अगर आप लोग से अभी 2016 एक्सेल के बारे में पूछा जा रहा है और आप लोग को नॉलेज 2010 के बारे में, तो वो आप लोग की स्किल मैप नहीं करेगी। तो रिक्वायरमेंट इस चीज़ की होती है कि आप लोग 2016 के बारे में पढ़ें, उससे भी लेटेस्ट वर्जन उसके बारे में पढ़ें, ताकि जब भी आप लोग इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आप लोग खुद भी बता सकें कि हाँ मुझे किस चीज़ की नॉलेज है। हु शुड अटेंड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हु शुड अटेंड, यानी कौन इसको अटेंड कर सकता है। इसमें आप लोग अगर स्टूडेंट है तो भी इसमें इनरोल कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग प्रोफेशनल हैं तो भी इसमें इनरोल कर सकते हैं। देयर इज़ नो एनी क्राइटेरिया कि आप लोग स्कूल से हैं या कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी से हैं या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो उसमें इनरोल नहीं कर सकते हैं। नहीं, दिस इज़ कम्प्लीटली ओपन फॉर ऑल ऑफ देम, तो देयर इज़ नो इशू, यू कैन जस्ट इनरोल इन दिस कोर्स एंड गेट द फ्री सर्टिफिकेट एंड कम्प्लीट नॉलेज, जिसके जरिए आप लोग अपने करियर को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो एजेंडा क्या है इसका बनाने का, उसके मेन मकसद ये है ताकि जो एक्सपर्ट हैं वो आप लोग को बता सकें कि क्या क्या चीज़ आप लोग के लिए ज़रूरी है और किसी चीज़ को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करने के बाद आप लोग की जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी आप लोग के जॉब के चांसेस बढ़ते हैं। वो क्यों ज़रूरी है उसके बारे में आप लोग को वो कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग इस वेबिनार को जरूर इनरोल करें। उसके बाद कब का भी होने वाला है, किस किस तरह से इनरोल होगा वो बताएं। डेटा ड्रिवन का है, 15 मिनट का है, कौन लेगा। मॉडर्नाइज डेटा कब लिया जाएगा। बॉर्डर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कब कब होगा इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये 15 मिनट 30 मिनट के जो आप लोग के छोटे छोटे स्मॉल में शॉर्ट कोर्सेज हैं इसको आप लोग इनरोल करें, जिससे कि अगर आप लोग कहीं से और भी सीखना चाहें तो भी आप डाउनलोड एजेंडा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोग सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बड़ा करके नहीं दिखेगा, कंप्लीट नहीं दिख रहा आप लोग को, तो भी आप लोग इसको एजेंडा को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने में आप लोग सीख जाएंगे। सेलेक्ट अ ट्रैक, आप लोग को ट्रैक इसमें सेलेक्ट करना होगा, कौन सा ट्रैक करना है। रीइन्वेंटिंग बिजनेस विद डेटा कैसे करनी है, लेवल 100 करना, यानी आप लोग लेवल 100 का मतलब है कि बेसिक आप लोग को सीखना है,
बेसिक पे सिखाया जाएगा आप लोग को डेटाबेस के बारे में, डेटा के बारे में, एनालिटिक्स के बारे में एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के बारे में आप लोग को सारी चीज़ बताई जाएंगी। उसके बाद लेवल टू में क्या है वो भी आप लोग देख लेंगे। लेवल टू में आप लोग को बताया जाएगा कि किस तरह से आप लोग बेसिक से एडवांस में जा सकते हैं, एडवांस में क्या किस सीखने को मिलेगी, और एडवांस में जब आप लोग एक्सपर्ट सीखेंगे तो एक्सपर्ट के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आप लोग को डेटा समझना चाहिए। कंप्लीट जो है 90 मिनट का ड्यूरेशन का है, आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अलग अलग टाइम पे आप लोग जरूर करें। स्पीकर जो राहुल पाठक हैं इंडियंस हैं, आप लोग उनके ज़रिए अच्छी सीख सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एनालिटिक्स AWS के हैं, बिल्कुल देर न करें। लेवल वन में बेसिक के लिए है। लेवल 200 में आप लोग को सेशन है फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बेस्ट प्रैक्टिस, आप लोग किस प्रैक्टिस के जरिए अच्छे डेटा को हैंडल कर सकते हैं। लेवल 300 में आप लोग बताएं किस डेटा को ड्राइव किया जाता है, किस डेटा से आप लोग खेल सकते हैं, डेटा के जरिए आप लोग कंपनी के परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, वो बताया जाएगा। अगर आप लोग इंडियन हैं उसके लिए अलग है टाइमिंग, ऑस्ट्रेलियन के लिए यहाँ पर टाइमिंग दी हुई है, टाइमिंग 1 to 9 PM टू 2:30 PM। न्यूजीलैंड के लिए टाइमिंग दी, उसके बाद आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद अगर आप लोग इंडियंस हैं तो इंडियंस के लिए आप लोग मॉर्निंग के टाइम पे इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे नीचे हम लोग 1000 सारी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग ज़रूर पढ़ें इसके बारे में। फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन कौन कौन से हैं, वेयर इज़ AWS इनोवेटिव हॉस्टल कहाँ पर है, कहाँ हॉस्ट होगा, ऑनलाइन हॉस्टल होगा, आप लोग कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इनके बारे में आप लोग पढ़ लें ताकि आप लोग की क्वेरीज जो फ्री हो सके। स्टार्टिंग बिल्डिंग योर स्किल्स विथ AWS फ्री टायर, आप लोग सारी स्किल्स जो फ्री में अपडेट की जाएगी, किसी को सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा, किसी को पेमेंट नहीं लिया जाएगा, सर्टिफिकेट आप लोग को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इनरोल कैसे करना है वो हम लोग देख लेते हैं। क्रिएट AWS अकाउंट यहाँ पर आ जाएंगे, नीचे आने का क्रिएट AWS अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। आप लोग के जो भी प्रॉब्लम्स वो भी आप लोग को ध्यान रखें, किन किन दिक्कतों आप लोग को सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आ जाएँ, साइन अप विथ AWS, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड डालें, और यहाँ पर आने का अकाउंट नेम डालें आप लोग का जो भी है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं है इसमें इनरोल नहीं किया अभी तक आप लोग ने, आप लोग का अकाउंट नहीं है तो आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पे आप लोग से दो डिटेल पूछेंगे कि आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या आप लोग एक स्टूडेंट, उसको बताएं। क्रिएट AWS अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएँ और अपनी डिटेल को फिल करें। जब लोग फिल कर देंगे उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आप लोग सबसे बड़ी क्या है, ये जब लोग फिल कर लेंगे तो आपके 1 से 2 दिन के अंदर आपको इनकी तरफ से एक फॉर्म दी जाएगा, उस फॉर्म को फिल करना होगा। उसमें आप लोग को ध्यान रखना होगा कि आप लोग प्रोफेशनल हैं तो आप लोग अपनी कंपनी का नाम डालें, अगर आप लोग एज ए स्टूडेंट हैं 10th 12th के पास हैं तो अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम डालें, जिससे कि आप लोग सारी चीज़ें गेन कर सकें और आप लोग को सही लेवल पर सिखाया जाए। लेवल अपना ज़रूर फिल करें, किस लेवल पर आप लोग को सीखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बिना आप लोग को, अगर आप लोग अलग अलग लेवल पर सीखते हैं तो आप लोग कंप्लीट नॉलेज तो मिल जाएगी लेकिन आप लोग के समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आप लोग सीखें, समझें इस चीज़ को, जिससे कि आप लोग के जॉब के चांसेस बढ़ सकें। अगर आप वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। इस वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम भी समझ सकते हैं कि आप लोग को कितनी ज़्यादा पसंद आया, कितनी समझ आया, या उसमें अगर कोई खामी आए तो उसको भी दूर किया जा सके। थैंक यू एवरीवन।